बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मलक अमजद, पाकिस्तान पंजाब गुजरात से। आज मैं अपने कबूतरबाज दोस्तों को टिप्स के साथ साथ कबूतरों का शौक भी करवा रहा हूं। कि दोस्त कह रहे हैं कि जो आप कबूतरों के जो नुस्खे वगैरह बताते हैं, इसके साथ हमें कबूतरों की जो नस्लें हैं इनके बारे में भी बताएं। तो मुख्तलिफ नस्लें हैं, मैं तो अपनी जो परवाज़ की कसौटी पर ही फैसला करता हूं कि किन कबूतरों को हमने कप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज के इस दौर में कबूतरबाज दोस्तों ने इस कदर इसको जदीद कर दिया है और मुश्किल कर दिया है कि अपने कबूतर सेल करने के लिए, बेचने के लिए, और इसको अपना कारोबार बनाया हुआ है। बिल्कुल हमारा शौक जो है ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्समैन हैं और शौक कर रहे हैं, और जो खिलाड़ी मेरिट की बुनियाद पर ही सामने आता है हम उसे ही अपने खेल में खेलने का मौका देते हैं। तो आज मैं अपने कबूतरबाज दोस्तों को कुछ कबूतरों का शौक भी करवा रहा हूँ। तो मैं अपना कबूतर आपको लेकर आकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो कि कबूतर शौक के लिहाज से जो चाप कबूतर है, हम इसको अपनी गुजरात की ज़बान में चाप कबूतर बोलते हैं। ये ब्लैक कलर में होता है और इसका मतलब है कि नीचे से सफ़ेद भी होता है, और इसके मैं पाँव का भी शौक करवा रहा हूँ दोस्तों को। ये देखें, अभी असू की तैयारियों में अभी इसको मैंने नए पर दिए हैं, ताकि मतलब है कि नेक्स्ट जो असू की बाजी है इसकी तैयारी में। ये हमारा जो चाप कबूतर है ये बहुत ही म्यारी, और इसकी परवाज़ भी बहुत शानदार है। परवाज़ के साथ इसकी सियान भी है, इसकी वापसी भी है, और ये कम अज़ कम जो दाना है बग़ैर खुराक के, जो दाना हम इस्तेमाल करते हैं, 3-4 बजे तक इसकी परवाज़ है। और जैसा कि हम इसको अपनी खुराक शुरू करते हैं, बादाम और इसमें सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करते हैं, और ये कम अज़ कम 4 से 5 बजे तक चला जाता है। और जैसा कि हम इसको फिर जैसे बाजी में गर्म करते हैं, क्योंकि कबूतरबाज दोस्तों से गुजारिश है कि हमेशा कबूतरों को गर्म करें, और जैसे ही हम गर्म करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि कबूतर की परवाज़ में इजाफ़ा हो जाएगा। अभी दोस्तों को शौक करवा रहा हूँ जो कि लाहौरी डब वाले कबूतर। तो जनाब ये कबूतर भी जो है इसका तलक भी डब वालों से है। ये पाकिस्तान पंजाब लाहौर में इनको डब वालों के नाम से पुकारा जाता है। हमने जो कबूतरबाज दोस्त हैं उन्होंने इसकी जो वंड निकाली है वो डब वाले हैं। ये इसके पाँव हैं, ये इसका जो ज़ाहरी शक्ल है ये हल्के ब्लैक होते हैं, लेकिन ये चप नहीं होते, इनकी आँख सुरख होती है। ये भी सुरख आंख में तकरीबन होते हैं।
ये जो कल उस्ताद गुलाम सरवर साहब कह रहे थे कि जो जौंसरे सियालकोट ही हैं, जौंसरे बटेरे भी इसको हम कहते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा शाहसरे नहीं जौंसरे बटेरे होते हैं, ये कबूतर उनमें से है। जौंसरा है, इसकी परवाज भी जो है इसके आला परवाज का मालिक है माशाल्लाह। जितने भी टूर्नामेंट हमने इस जितने टूर्नामेंट उड़ाए हैं हमने इस कबूतर को इस्तेमाल किया है और इसने नहायत ही अच्छा और शानदार रिज़ल्ट दिया है। ये वो कबूतर है जो सियालकोटी जौंसरे हैं और हल्के जौंसरे, जितने मठे जौंसरे जिसको हम कहते हैं। ये जो कबूतर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये डब वाले का और सियालकोटी बटेरे का क्रॉस है। तो इसी के साथ तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।